आवाज अच्छा, आपकी आवाज आ कुछ रही नहीं, आपकी आवाज में कुछ ब्रेक है और हम इसको सही तरह नहीं सुन पा। चले ठीक है। मुस्लिम कमाल, आवाज में भी आ रही है आपको? जी मौसम कमाल, क्या बताएंगे आप कल की रैली के, बड़ी मजाक की रैली की, और पीडीएम की जो रैली थी उसके मुतालिक कोई आपके पास मालूमात है? पार भी ना एक ऐसा तो हमने मोहसिन कमाल, आपकी आवाज, मोहसिन कमाल, आपकी आवाज बहुत टूट रही है। मैं कोशिश करता हूँ, टेलीफोन पे लेके आऊ मैं। मोहसिन कमाल से कोशिश करते हैं कि टेलीफोन पे आते हैं इनके साथ, चूंकि आवाज कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या कह रहे हैं, तो इनसे खान साहब अगर सुन रहे हैं आप तो वापस आ जाए। अच्छा, ये सुनते राजे साहब आप बात करें, मैं जितनी देर तक इनको लाइन पे लेके आता चलो हूँ। मैं भी मोशन को कॉल करता हूँ, देखता हूँ अगर आ गया तो। हाँ हाँ चलो, फिर उधर से बात हो सकेगी। जी, तो मोशन मोशन लाइन पे है जी। मोशन जी सर, अपडेट करें आज के रैली के बारे में। जी आज की रैली सर, जी यार, आज की रैली कैसी रही? मैं रुजाक बात कर रहा हूँ। आज सर रैली जो है ना हमारी बहुत अच्छी रही है, और रैली के साथ साथ हमारा जो पावर शो था, हमारा जो जलसा था वो इंतहाई कामयाब जलसा था, इंतहाई कामयाब जलसा था। उसकी वजह ये कि एक वो मैदान में था, और वो जो है ना हमारे लिए एक डिफरेंट जगह थी, एक नई जगह थी, लेकिन उधर के लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है तो वो रिस्पॉन्स ये था कि वो लोग भी हमारे साथ इस्लामाबाद जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और हम इंशाल्लाह ताला 31 तारीख को जो ऐलान होगा उन्होंने उसी ऐलान पे इत्तेफाक करना है, और इस्लामाबाद भी जाना है, और वहां भी जाना, फिर हमारा जाना जो लॉन्ग मार्च है वो शुरू भी होगा, और इंशाल्लाह ताला सेनेट इलेक्शन से पहले पहले इस हुकूमत से हमने जान छुड़ानी है और इसको घर बेचना है। कोई क्वेश्चन? नहीं, वहां पे नहीं, आप अच्छा, नहीं आप आपकी अच्छा। तो ओवरऑल आज बाकी जो पार्टियां थी उनकी जो वहां पे लोग थे उनका मोराल कैसा था? वो सारी पार्टियां जो वो रेडी हैं इस्लामाबाद के लिए और इस न्याजी को हटाने के लिए? देखो सर जी, बात तो है कि बहुत वर्कर है जो पुराना मुस्लिम लीग है वो मैदान में पड़ा हुआ है, तो उन्होंने 11 पार्टियों के जितने भी वर्कर थे उन्होंने ये इत्तेफाक किया है कि अगर मौलाना साहब इस जो पीडीएम का जो है ना सरबरा है वो जिस तरह काल देंगे हम उस पर लब्बैक कह के आप लोगों से आगे होंगे, पीछे नहीं, आप लोग के आगे होंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस हुकूमत को घर भेजेंगे। ठीक हो गया, ठीक इंशाल्लाह। हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन। आई विश के तो आपका नेटवर्क ठीक होता तो आपको लाइव शो में लेते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल राजा रखिए। साहब फ्रीज हुए हैं, तस्वीर आपका फ्रेम। ये थे मर्दान से मोहसिन कमाल साहब, ये बहुत ही एक्टिविस्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और ये वही साहब हैं, मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब जेल में थे तो इन्होंने अपने जो तमाम जो है जिस्म के अपने जात जो है उनके नाम कर दिए थे। कहा था कि अगर मियाँ साहब को किसी भी उनके किडनी अच्छा की, उनके जिगर की, उनके हार्ट की जरूरत पड़ती है तो वो डोनेट करने के लिए उन्होंने कोई एग्रीमेंट भी जो है ना वो साइन वगैरह किया था। तो राणा साहब हमारे साथ वापस आए हैं,
मैं एक्चुअली खान फरूक से एक बात करना चाहता था, लेकिन खान फरूक जो है वो इन एंड आउट है। राणा साहब ओवरऑल, खास मैं राणा साहब से जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप तारीख की किताबों की बहुत बरकरदानी करते हैं, बहुत तारीख में आपकी जो स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा है, कहीं से आपको पता चला है कि इमरान खान से बड़ा द्रोहगो और फ्रॉडी अभी दुनिया में कोई पैदा हुआ है अभी तक? और पीएम वजरा की बुरी कारकर्दगी तो वो तस्लीम कर रहे हैं, मगर 2.5 साल की हुकूमत में किसी वजीर का एहतसाब नहीं हुआ, महज चंद की वजारतें तब्दील करके इन्हें नई वजारत दे दी गई। हमारा राबता जो है आज खान फारूक से या आ जाते हैं? हाँ खान फारूक, क्वेश्चन आ गया आपकी समझ? क्वेश्चन आ गया, आवाज नहीं आई आप। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप तारीख की बहुत गर्दानी करते हैं, तारीख से आपको इंटरेस्ट है, आप किताबें भी पढ़ते हैं, क्या किसी तारीख की किताब में आपको आज तक पता चल सका है कि नहीं? सर आवाज नहीं आई। अच्छा, आवाज आपकी, आप मैं मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, उन चले आ जाते हैं जी। राणा साहब क्या कहेंगे आप, ये सारी चीजें देख रहे थे, सुन रहे थे, क्या इमरान खान से बड़ा कोई द्रोहगो और फ्रॉडी दुनिया में कोई पैदा हुआ है अभी तक? और इसके साथ एक चीज ये भी ऐड कर दें कि सुहेल बड़ा अपना क्या नाम है वो जो जर्नलिस्ट है, उसने कहा था ना कि ये इमरान खान जो है एक वारदाती है, उसकी भी स्टेटमेंट खान ने डाले। जी खान साहब, जी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मेरा ये था कि आप बहुत तारीख की बरगर्दानी करते हैं, बहुत सी किताबें आप पढ़ते हैं, आपको तारीख के साथ बड़ा मोहब्बत है, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। मैंने कहा कि किसी किताब में इमरान खान से बड़ा द्रोहगो और फ्रॉडी भी दुनिया में इससे ज्यादा बड़ा कोई पैदा हुआ है? और राजा साहब ने इस एड में इसमें ऐड किया था, राजा साहब आपका क्या था वो, आप क्या कह रहे हैं? रौफ, रौफ कलासरा ने एक दफा कहा था कि इमरान खान एक वारदाती है। क्या कहेंगे आप? जी सर, एक आदमी ऐसा तारीख में गुजरा है कि वो इसके साथ कंपीट करने के लिए वो उसको हम चुन सकते हैं, उसका नाम था शेख अल चिल्ली। शेख अल चिल्ली, अच्छा शेख चिल्ली। यहाँ ये एक रियल आदमी था और ईरानी उल नसल था और इधर इंडिया में आके आबाद हो गया था, और उसने एक तसवराती पॉलिटिक्स का अंजाम उसने शुरू किया, क्योंकि बादशाह जो होते थे वो इस तरह झूठ नहीं बोलते थे कि उनकी डायनेस्टिकल पावर होती थी, मगर शेख चिल्ली जो था, और ये मजहब कंपीट करता है बादशाहत के साथ, इनकी अपनी एक जथा और गैंग्स होते हैं, तो उस वो जो था ना जो बातें करता था उसकी कोई तकरीबन 50-60% बातें खान साहब भी करते हैं। जिस तरह मैंने अभी पहले एग्जाम्पल दी कि सरकारी मुलाजमीन का एक जथा आकर के प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे वो असल हुक्मरान है, हालांकि वो किराए के मुलाजिम है, और पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा वापस सर मुख्तलिफ चैनल से अमरीकन बैंकों में आ रहा है, और इसका सबूत हम निकाल के दिखा नहीं सकते, क्योंकि जो निकालेंगे वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि कल भी माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, हैक हुआ है, जिसके अंदर अल्लाह जानता है क्या निकलेगा, मगर लोग उसको स्कैन कर रहे हैं अंदर से चीजें, एक पासपोर्ट निकला है उसमें। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये जो पैसा है, और इस पैसे की जो राणा साहब ने कहा, यकीन करें ये इन्हीं जराए से, एंटी एंटी जमहूरियत जराए से ही वापस अकाउंटों में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो अपनी सर्विस का हिस्सा लेते हैं, बाकी वो अमेरिकन बैंकों में जमा करा देते हैं, कैनेडियन बैंकों में। तो ये जो को रिलेशनशिप है इसको देखना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता मैं देना चाहता हूँ कि कल जो इंटरस्टेलर अलाइनमेंट थी सैटर्न की, यूरेनस की, मार्स की, मून की और बाकियों की, उसकी अलामती, हम इन चीजों में वैसे प्रैक्टिकली तो बिलीव नहीं करते, मगर माइंडसेट को कंट्रोल करने के लिए ये चीजें होती हैं कि अमेरिकन फौज में ये अलर्ट फैल गया है कि क़यामत के इब्तदा हो चुकी है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी वक्त भी नुज़ूल करेंगे, इसीलिए अरबों ने उन तमाम एरियाज को मार्क कर लिया जहां से ये हिजरत करके निकले थे।
ये अमेरिकन फौज के ब्लॉग्स के ऊपर ये बात जोरों शोर से चल रही है कि यहूदी जो हैं वो अब तैयार हो गए हैं अपनी आखिरी जंग लड़ने के लिए, और उन्होंने अपना फैलाव बड़ा कर दिया और वो अमेरिका को भी सजा देना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा लीनियंसी दी है। और आज सुबह की खबर है कि मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका इम्यूनिटी दे रहा है, अदनान कशिक जी के केसेस से उसको ट्रंप साहब इम्यूनिटी दे रहे हैं ताकि वो प्रोसिक्यूट ही ना हो सके। तो इन चीजों को अगर जोड़ के देखा जाए तो खलाई वाले क्या कर रहे हैं, मुझे एक शक हो गया है कि खलाई वाले जो जमहूरियत परस्त भी होते हैं ना ड्यूटी से मजबूर, ये हजरात हुकूमत को ना आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं गलत इंफॉर्मेशन दे के कि जी जमात टूट गई है, जलसे छोटे हो गए थे, आप मत घबराएं, क्योंकि ये उनको ऐसा धोबी पटका मारेंगे अंदर से ही कि उनके होश उड़ जाएंगे और उनको बचाने के लिए फिर फ्लाइटें भी नहीं होंगी। मुझे इस पे भी शक होता है कि जो रूमर आ रही है ना ये हमारे लिए नहीं है, हमारे हौसले कम होते नजर आए हैं किसी को, हम तो वहीं खड़े हैं, हमारे लीडर की आवाज सुनो वो वहीं खड़े हैं, वो बिल्कुल सच्चे सामने उनको नजर आ रहा है, मगर ये ऊपर जो जो लोग हैं जिनका जरिया जो है वो अवामी सोशल मीडिया या वो भी होता है, उनको ये धोखे दे रहे हैं कि सर आपको परेशान नहीं होना, आपको एकदम नीचे से धरती लगेगी और आप गिरेंगे वहां जाकर। तो उनको भी ये मुझे लगता है जैसे अभी सुबह कल से ये खबर खलाई वाले मैंने पूछा कि ये बताओ भाई ये मौलाना शेरानी साहब जो है क्या ये अलग हो रहे हैं, उन्होंने कहा यार ये खलाई वालों के एक लिए ये कोई मसला नहीं है, मगर वो लोग नहीं हो रहे, अंदाजा लगाएं आप जो उनको वॉच कर रहे हैं वो कहते हैं उनके लिए ये कोई मसला नहीं है मगर वो अलग नहीं हो रहे, वो मगर मीडिया ऊपर बता रही है कि जी वो अलग हो रहे हैं, पीडीएम कमजोर हो गई है, मतलब अल्लाह जानता है ये एक वो प्रोपेगेंडा है जी, ये सारा प्रोपेगेंडा ना, ये प्रोपेगेंडा इसलिए है कि हुक्मरान जो है ना वो बेवकूफ बन जाए, हम तो नहीं बेवकूफ बनते ना, हमने तो भुगत रहे हैं। मेरा एक दोस्त है वो उगाता है ये फसलें वगैरह उधर पंजाब में, वो मुझे कह रहा था जी ये जो अदरक है। हाँ सर, शेरानी साहब मैं माजरत के साथ आपकी बात कर रहा हूँ, शेरानी साहब जो है पिछले 2 साल से इसका शूरा का हिस्सा नहीं है। हाँ नहीं है ना, अंदाजा लगाए उनका असर रसूख बलोच। एक चीज में अर्ज कर दूं पहले, राणा साहब एक फॉर सम रीजन तमाम ही गड़बड़ जो है उसके पीछे इशारे बलोचिस्तान जाते हैं, लाल मस्जिद वाले बलोचिस्तानी थे, ये लड़ाई झगड़ा ये भी बलोचिस्तानी थे, जज जो है ये बलोचिस्तानी है, और भी 4-5 बड़े नुक्ते हैं, ये सारे जाते हैं बलोचिस्तान, और बलोचिस्तान के ऊपर कोई कब्जे की जंग चल रही है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, आवाम को जिसका नहीं पता, ऊपर कवर उन्होंने सरकारी डाला हुआ है कि आजादी की जंग है, आजादी की नहीं है, ये कुछ और रोल है सर। डॉक्टर शाजिया का केस भी उधर जाता है, ये तमाम मिसिंग पर्सन के केस उधर जाते हैं, ये अब जो मतलब राणा साहब एक्स सर्विस मैन भी है माशाल्लाह और बड़े मायानाज एक्स सर्विस मैन है, इनसे इस बारे में मैंने पूछना है, आप कॉल ले लें। अच्छा ये कॉल आ रही है, इससे कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सर थोड़ा सा ऊंची आवाज में करें चूंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जी। क्या क्या क्वेश्चन है जी आपका? हाँ अब क्या क्वेश्चन है जी आपका? अब सही है। मेरा नाम आकाश है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन है सर आपका? सर मेरा ये सवाल है कि बाजवा साहब आर फोर्स से सऊदी अरब से चाहते क्या हैं? ये जो गेम खेल रहे हैं तो ये गेम कहाँ तक खत्म होगी? गेम तो समझ नहीं आ रही। और सब क्वेश्चन आ गया समझ में आपका राणा साहब? राणा साहब पहले इस पे ट्राई करें क्योंकि मुझे सही तरह आवाज नहीं आई, आप ट्राई करें। एक क्वेश्चन जी वकास, वकास साहब चूंकि सऊदी अरेबिया जो है जहां तक बाजवा साहब की बात है, बाजवा साहब चूंकि अब तन्हा हो गए हैं, उनके अंदर फौज के अंदर भी एक बहुत बड़ा धड़ा उनके खिलाफ है और पाकिस्तान की अवाम स्पेशली, अब तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, आप तो पाकिस्तान का वो लोग जो जिन्हें हम लाशौरी लोग कहते हैं, जिनको शौर नहीं होता पाकिस्तान की, जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता पाकिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट है, कोई वजीर आजम का पता नहीं होता, सदर का पता नहीं होता, अब तो वो जो रेडी बान है वो भी पाक फौज के बारे में अच्छे तासुरात नहीं रखता। बाजवा साहब सऊदी अरेबिया से कुछ नहीं चाहते, सऊदी अरेबिया खुद बाजवा साहब को नहीं चाहता भाई साहब।
मैं तो आपको ये कह देता हूँ कि सऊदी अरेबिया खुद बाजवा साहब को नहीं चाहता, वो आने वाले 15 दिन के अंदर आप वेट करें, 15 दिन के अंदर जो एक बहुत बड़ा गेम प्लान हो रही है सऊदी अरेबिया के लिए, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम उमरा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, वहां पे तैयब अर्दोगान साहब भी आ रहे हैं, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है, चाइनीज सदर भी आ रहा है, एक और बड़ी ताकत बीच में बैठने आ रही है, तो इंशाल्लाह आपके सामने एक बहुत बड़ा आपको सरप्राइज मिलेगा, वो मैं आपके लिए सरप्राइज छोड़ देता हूँ। इफ्तिखार साहब, एक और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे चौधरी आसन ने किया है कि मोहम्मद अली दुरानी जो है उन्होंने दरख्वास्त की थी शहबाज शरीफ से मिलने के लिए, वो एक्सेप्ट हो गई है और वो कल मुलाकात करेंगे, और वो कोई फिर बगाड़ा का कोई अहम मैसेज जो है वो लेके जा रहे हैं, क्या किस तरह का मैसेज हो सकता है? मैं मुख्तसरी जवाब दे देता हूँ जी। पीर साहब पगारो जो हैं वो शुरू से GHQ के प्यादे हैं, और यकीनन ये पगराम प्याम प्याम जो लेके जा रहे हैं मैसेंजर के तौर पे मोहम्मद अली दुरानी साहब, तो डेफिनेटली ये इस तरह के कई मामलात लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ होते रहते हैं, और मैं नहीं समझता कि मोहम्मद अली दुरानी साहब कोई बहुत बड़ा पैकेज लेके जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये एक रूटीन रूटीन के मैसेंजर के तौर पे जा रहे हैं जी, कोई अहमियत नहीं। जी खान साहब। सर, ये जो दुरानी साहब हैं और जो अरबिक लॉबी है ना, मैं बहुत इससे मुझे खौफ आता है ये बात करते हुए, और मैं इसका इशारा मजहबी हवाले से देना चाहता हूं कि सही बुखारी शरीफ में सारे आलम देख ले कि वहां पे एक हदीस नंबर है 4458 4458 नंबर हदीस है, इसके अंदर अरब के लोगों के किरदार के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंतकाल मुबारक के वक्त फरमाई थी वो स्ट्रेटजी आपको जब समझ में आ जाएगी, तो ये दुरानी हो जाए, मुरानी हो जाए, अरब हो जाएं, अजम हो जाएं, ये इनके ऊपर एतबार नहीं करना, ये बंदे को पकड़ के ला के बिठा के जहर दे के जहर जिस्म से निकाल के फिर उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे के वापस कर देते हैं, और अरब के ऊपर एतबार करना ये जनरल राहिल की आखिरी ख्वाहिश हो सकती है कि शहजादों से कहे कि यार इसको पकड़ के मुझे दो मोहतरम नवाज मियाँ नवाज शरीफ को, ताकि मैं अपना बदला ले लूँ और उसको हीरो भी बना देंगे, हाँ जी वो हीरो भी जिंदा नवाज शरीफ जिंदा है अलग बन जाएगा और मेरा बदला भी मुक जाएगा, तो ये अल्लाह माफ करे बिल्कुल भी मेरी राय, मुझसे तो कोई राय मतलब हमारी हैसियत नहीं है, मगर हम ये सोच को रिप्रेजेंट करते हैं कि तारीख में ऐसा काम नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के बड़े बड़े मशाहिर के साथ हुआ है, जहां दूसरे दरमियान में आए हैं उन्होंने कॉन्फिडेंस में, और वो दुश्मन के आपके वफादार बन के आ गए हैं जबकि वो हुकूमत में थे, तो वो सारे गंद में शामिल थे, बिल्कुल एतबार नहीं करना है। और मैं कहता हूं कि अगर अगर अवाम की एतबार जमहूरियत के सोलूशन से उठाना है तो फिर इनके साथ वर्क करें, क्योंकि एक दफा अवाम का जमहूरियत पर एतबार खत्म हो गया तो बैरूनी मुदाखलत को अवाम खुद बुला करके इस पूरे मुल्क को कई हिस्से कर देगी, क्योंकि इसी तरह कॉन्फिडेंस खत्म होगा ना, ये सरकारी मुलाजिम आके बैठ जाएंगे कहेंगे जी हम असली हैं, भाई वो होंगे तो नकली, तो इसी तरह अभी भी ये जमहूरियत पर से एतबार खत्म कर देंगे, लीडरशिप के ऊपर भी देखें, क्योंकि इसकी एक वजह ही है कि एक सर्वे के मुताबिक इमरान खान ने जितने वादे किए थे उन पर कुछ डिलीवर नहीं किया, इसी तरह अभी भी PDM ने कोई सोल्यूशन नहीं दिखाया, वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की मुंतकली के बारे में ऑर्गेनाइज्ड है, मगर कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई हम प्राइस कैसे कंट्रोल करेंगे, लोन कहाँ से लाएंगे, अपनी इजादात क्या करेंगे, वो हिस्सा होगा जरूर मगर लोग जो सोचने वाले होते हैं वो थोड़ा सा 2 स्टेप आगे रहते हैं, तो ये चीज भी नैरेटिव का हिस्सा बनना चाहिए। नौजवानों की बेरोजगारी पहला चैप्टर है, दूसरी बात टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, और तीसरी चीज जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अपने लिए किसी किस्म की कोई मराहत मिनिमम जो मिलती है वो उस पर काम किया जाए एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, तो ये मैं इस तरह के, क्योंकि हम लोग थ्रेट एनालिस्ट हैं, हम थ्रेट समझते हैं कि अगर अंदर से आ गया हमारे लिए भी तो, और अवाम हमसे भी मायूस हो गई तो फिर यार ये बहुत बड़ा मसला होगा, और पाकिस्तान के साथ 70 साल से जो चलने वाला धोखा है एस्टेब्लिशमेंट की वजह से वो इसको बिल्कुल दीमक की तरह खा के गिरा देगा, और उसके बाद फिर
अल्लाह जानता है क्या होगा कि हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसी तरह के कामों की वजह से खत्म हो गया और उनके खंडरात भी मनहूस हो गए इस सोसाइटी इलाके में। पहले हो चुका है, टेक्सला जाके देखें, वहां पे आला दर्जे की यूनिवर्सिटियां बनाई बुद्धिस्टों ने, हजरत बुद्धा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, आज वो खंडरात बन गए। लोग किधर गए? लोग क्योंकि सल्तनतें गिर गई करप्शन की वजह से, यही होता है इस इलाके के अंदर। जी राणा साहब। जी बिल्कुल फारूक साहब, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी इस वाज़े दलील के बाद तो इसमें कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि जो कुछ आने वाले दिनों में हर पहलू से हर फौज जो है इस वक्त हर एस्टेब्लिशमेंट हर पहलू के ऊपर नजर रखे हुए है, वो हर जगह से अपने आप को सेफ करना चाहती है ताकि वो कभी भी इक्तदार से दूर ना हो, और वो कोई ना कोई ऐसा तुर्क के पत्ते खेलना चाहती है, चाहे वो सऊदी अरेबिया की सूरत में हो, कतर की सूरत में हो, ईरान की सूरत में हो, और चाहे वो जिस मर्जी प्लेटफॉर्म से हो, वो इस अपने आप को किसी ना किसी तरीके से इन द सिस्टम रखना चाहिए, आउट ऑफ द सिस्टम नहीं जाना चाहती। तो मैं नहीं समझता कि अभी एक एग्जाम्पल राणा साहब मुझे दिमाग में आ गया फिर उतर जाएगा नुकता, आप भी इसी में इजाफा कीजिएगा कि 2002 और 2003 के अंदर मैं सिटी ग्रुप के अंदर वीपी के पोजीशन पर स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग सेल का इंचार्ज था। उसमें एक मैंने रिपोर्ट में देखा कि लीबिया से कोई एक बंदा दिन में 2-3 दफा अमेरिकन बैंकों के अकाउंट्स चेक करता है बैलेंस। उसके बाद 4-5 दिन हो गए, फिर उसके बाद 19-20 हो गए, तो मैंने अपनी बातों में किसी को बताया कि यार लीबिया में कुछ होने जा रहा है, क्योंकि वहां से लोग अमेरिकन बैंक अकाउंट्स चेक करते हैं डेली के इसमें रकम आई है कि नहीं आई। अच्छा, अब डिपॉजिट्स तो हम अगर रिपोर्ट मांगते तो डिपॉजिट अमाउंट नजर आती थी, वरना एक्टिविटी नजर आती थी। आप यकीन करें कि 8 महीने बाद तकरीबन अमेरिका से एक इतना बड़ा जहाज गया, आदमी सोच भी नहीं सकता कि जिसने उनका पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जमीन से खोद के एज इज बिल्डिंग समेत उठा के ले आए। वो जो पेमेंट्स हो रही थी वो उन लोगों को हो रही थी जिनका काम था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेफ्टी को वो करें, और यूएन उसको तो वहां पेमेंट हुई है। बिल्कुल इसी तरह जो सवाल था पहले कि ये पैसा कहाँ गया, यकीन करें ये मुख्तलिफ चैनल से इधर ही आ रहा है, और ये आ इसलिए रहा है कि बलोच वो जो गारंटी लेंगे इसराइली कि पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ हम तावन करेंगे, अपना जक़ात खर्च सदका और चैरिटी जो है इधर दे देंगे, मगर आप लोग ये न्यूक्लियर जो है उठा लें, क्योंकि अब तो इस वो आ रहा है मेहदी भी आ रहे हैं, इस तरह का कुछ एक रिलीजन वाले जो है ना ये मेहदी को बरामद करने के चक्कर में अपना डैडी लगाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये क्या उसी तरफ रहा है, क्योंकि हमारे पास राणा साहब और है क्या? हाँ जी, कुछ नहीं हमारे पास। हाँ, हमारे पास और है क्या? आप हम कोई ऐसी चीज नहीं बना रहे कि यूरोप चाइना से ना बनवा सकता हो, ऐसा ही है बस। इसके लिए अभी इनका फोकस जो है वो सारा बलूचिस्तान के ऊपर है, जो बलूचिस्तान चूंकि फुल ऑफ माइंस है, तो अभी किसी न किसी तरीके से ये अभी कोई ऐसा अगर खुदा न खास्ता कोई हैपन होता है तो मेरे जो हमें नजर आता है कि आप शायद बलूचिस्तान से हाथ धो बैठे, जो अभी जो बिल्कुल अभी जिस एजेंडे पे काम हो रहा है, अगर आप खुदा न खास्ता बलूचिस्तान से हाथ धो बैठते हैं तो बलूचिस्तान पे कोई आके नहीं बैठेगा। आप ये खाम ख्याली अपने दिल से निकाल दें कि यहाँ इंडिया आके बैठ जाएगा, ईरान आके बैठ जाएगा, कतर नहीं, यहाँ इसराइल आके बैठेगा, जिनकी इन्वेस्टमेंट है इस वक्त जो गवर्नमेंट का पैसा, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, पैसा जैसे हम लोग ऑनलाइन अकाउंट में लगा देते हैं नजर आता है लेकिन आप विड्रॉ नहीं करते उसका और पैसा वापस जाता है आपके पाकिस्तान के दादो शुमार में, पाकिस्तान की जो मिनिस्टर, पाकिस्तान की जो जहां पे आप जहां से पाकिस्तान की इकॉनमी को होल्ड करते हैं, पाकिस्तान के खजाने में या पाकिस्तान के जो है वो स्टेट बैंक के अकाउंट्स के अंदर तो वो पैसा नजर आ रहा है,
लेकिन वो पैसा पाकिस्तान में विड्रा नहीं हो रहा, पाकिस्तान के खाते में वो पैसा आ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर लोन बिल्डअप हो रहे हैं, लेकिन वो पैसा उसी तरीके से दूसरी साइड से निकल के उन्हीं के अकाउंट्स में वापस जा रहा है, तो ये पैसा वहां जा रहा है ऐसे। जी ये जो अबराज वाला है नकवी साहब, ये मुशर्रफ के दौर से हम इसे जानते हैं, ठीक है, ये उन्हीं की लॉबी का आदमी था, और ये वैसे मैं अपनी जाती तौर पर यह कहता हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, दुनिया में एक नेकी का काम भी कर रहा था और पाकिस्तान में भी वो करना चाहता था, मगर उस पर घंटी उसने खुद ही बजाई है। यकीन करें ये कोई बंदा मानेगा नहीं कि अबराज वाले ने, नकवी साहब ने खुद इस किस्से में से निकलने के लिए, जिसकी शिकंजे में वो आ गए थे, उसमें से निकलने के लिए घंटी उन्होंने खुद ही बनवाई, अपनी खुद ही कंपनी तबाह करवाई, एसेट पहले मूव कर लिए थे, बाकी उन्होंने निकलने के लिए किया वो ये किया अबराज अली नकवी साहब ने, कि उन्होंने जो अमेरिका से पैसे आ रहे थे वो घंटी बजती है कि ये किस अकाउंट में गए हैं, तो 25 मिलियन डॉलर गन पॉइंट के ऊपर इमरान खान से, इमरान खान को दिलवाए गए, कौन से, वो बिल गेट्स के जो चंदे के पैसे थे वायरस उसको फाइट के लिए। अच्छा उसने खुद ही ये किया है, अब वो छूट जाएगा और लंदन वाले भी उससे कॉपरेट कर रहे हैं कि तू बड़ा अच्छा आदमी है, तूने खुद किया है, मगर ये अच्छा किया, ये कर दिया, हमें बता दिया, मगर वो पैसे जो थे वो उसमें से कुछ पैसे अमेरिकन अमेरिकन फौजियों के भी अकाउंट में गए हैं, मसला ही थे फंसा है कि अगर वो बात, हाँ इसलिए अमेरिका कहता है इसको हमें दो, हम इसको टीका लगा के मारेंगे, क्योंकि ये और इसी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो उनकी बैंकिंग का निजाम है, माइक्रोसॉफ्ट कई बैंकें ऑन करता है, लोगों को पता नहीं है, उसमें जब वो घंटियां बजनी शुरू हुई कि टां टां जी के, वो अंदरू पौंकने दी आवाज आई कि ओ जी ये पैसे थे गरीबों के, सन ये वापस इधर अकाउंट च आ गए ने और ये इलेक्शन च लग गए ने, और इमरान खान कहता है कि मैंने पूरे 25 मिलियन डॉलर इलेक्शन में लगा दिए, और अमेरिका से FBI का बंदा गया जिसको इमरान ने चपड़ मार के घर से निकाल दिया, उसने कहा भाई पूरे 25 मिलियन नहीं लगे भाई, यहाँ तो 5 मिलियन अमेरिकन जनरल के घर पे आ गए हैं, और उसके पास कोई आंसर नहीं है। और इस पे मैं एक एग्जांपल दे के सामेईन की तवज्जो के लिए, यहाँ एक राणा साहब सुनने वाली बात है, यहाँ एक पाकिस्तानी मेमन के घर पे डाका पड़ा और उसने जा करके बैंक में डाके में रिपोर्ट में लिखा कि जी मेरे पास सिर्फ $50,000 थे जो चोरी हुए। अच्छा जो चोर कुछ अरसे के बाद पकड़े गए, और वो पकड़े गए तो वो निकले रिटायर्ड फायरमैन और इस तरह के लोग थे, तो उधर एक लॉयर आया, उसने उनके लॉयर ने कहा, चोरों के लॉयर ने इनको कहा मेमन साहब को, सर ये मसला बड़ा पैड़ा पड़ गया है कि आपने तो लिखा है 50,000 चोरी हुए, मगर सर इनके पास से 5 मिलियन कैश बरामद हुआ है। और वो हमारे पुराने रिश्तेदार हैं, हमारे पुराने वर्कर हैं, हमारे पास साथ काम करते थे 50 साल, मगर वो 5 मिलियन के चक्कर में उनको उम्र कैद हो जाएगी, आपने ये 50,000 क्यों लिखा है। अच्छा वो मेमन था, वो बेचारे ने कहा कि यार अगर मैं बताता हूँ 5 मिलियन मेरे पास था तो IRS मुझे अंदर कर देगी कि टैक्स नहीं दिया तुमने, क्योंकि कैश जमा कराता रहा ना अपने घर में ही तिजोरी में रखा। तो अब उन्होंने कहा कि यार अब कुछ कुछ ऐसा काम करते हैं वो तो सोचने के लिए। तो इधर भी यही हुआ, यहां से अमेरिका से पाकिस्तानी नजाद खबर साहब से मैंने कहा भी है उनको लेकर आए इंटरव्यू करवाए, उनके अकाउंटों में जब आया कि जनाब 25 मिलियन से 5 मिलियन डॉलर इमरान खान ने रख लिए तो उधर ये लड़ाई पर अब इमरान खान को अब सवाई हुकूमत में लाकर बचाने के और कोई जरिया नहीं था, आप समझ रहे हैं। हाँ और जब ये हाँ और कोई जवान का बचा जिसके घर का मेंबर कोई कत्ल हुआ होगा अल्लाह माज़ अल्लाह वो केस दायर करेगा तो फिर इनके ऊपर भी हाथ पड़े, मगर ये बेचारे पाकिस्तान में होते हुए तो खुल के बंदा बात नहीं कर सकता। ऐसे ही ऐसे ही राणा खावर साहब समझ आई कि कितने क्या मसाइल होते हैं हुक्मरानों के भी। खावर साहब माइक खोल लें जी। खावर साहब आवाज नहीं आ रही है। इस हकूमत के कुछ और ही मसाइल हैं और ये मसाइल इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इनका सलूशन भी निकलेगा। अवाम को शौर जो उनकी आवाज हाँ अवाम को शौर भी बिदार हो चुका है। बड़े मसाइल हैं जी। खबर और आगे चलें प्रोग्राम को। आप प्रोग्राम को एक्साम पे लेके आना है खान साहब, और बहुत अच्छी डिस्कशन रही आज, और यकीनी तौर पे हमारे नाज़रीन ने काफी उसको इंजॉय किया होगा, उनको इंफॉर्मेशनल चीजें भी मिली होंगी।
हम जो है हमारा अगला प्रोग्राम जो होगा सैटरडे विद रेहम खान होगा, और मोस्ट प्रॉबली ये हमारी कोशिश होगी कि इसहाक डार जो है वो संडे के प्रोग्राम में होंगे। इसहाक डार से हम एकेडमी की बातें करेंगे, उनसे जो रिसेंटली इंटरव्यू है उनका बीबीसी के साथ उसके मतलब भी बातें होंगी और मुल्की हालात के मतलब भी बातें होंगी। बट आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है, और जो मर्दान की रैली का शो था वो बहुत ही सक्सेसफुल निकला। हमने इस प्रोग्राम के शुरू में मरियम की वीडियो भी चलाई है, और यकीनी तौर पे आप इस प्रोग्राम को अगर आपने पूरा नहीं देखा तो उसको करें, आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी जाएँ उसको सब्सक्राइब करें, चूंकि फेसबुक जो है वो हम पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी गई है, और वहाँ पे सिर्फ लाइव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से और सारे जो चीज़ें हैं उन्होंने हमारी बंद कर दी हैं, और आने वाले वक्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है वो हमें हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दें। तो बरकैफ है उसका भी हाल बाद में ढूंढेंगे, लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास है कि यूट्यूब पे आप हमारा चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। तो बहुत शुक्रिया। एक ऐलान भी करना है सर, खबर साहब एक ऐलान करवा दूं, एक ऐलान ले लें जी। गो अहेड सर, एक ऐलान ले लें जी। यूट्यूब से याद आया, एक ऐलान ले लें खबर साहब, वो ये कि हमारे चैनल्स जो हैं उनके ऊपर फॉर सम रीजन इंडियंस जो हैं उन्होंने दावा बोला हुआ है, और वो बैन करवाते हैं, वो चैनल बैन करवाते हैं। किस तरह से कि वो डिसलाइक के बटन को क्लिक करते हैं और साथ उसको रिपोर्ट कर देते हैं, तो वो चार चार दिन के लिए चैनल बंद होते हैं। फेसबुक पे भी यही काम हो रहा है, मगर हमें नजर नहीं आ रहा था। हमारे हमारे चैनल को भी और तमाम जमहूरियत पसंद कानून परस्त जितने भी जमहूरियत के मुजाहिदीन हैं उन सब के चैनल्स को थम्स अप कर करके उसकी रेटिंग हाई रखें, ताकि उनके 600-700 नेगेटिव की वजह से, और हमारे 50-60 लाइक्स होते हैं मगर उनके 600 नेगेटिव आते हैं जिस पे ये एल्गोरिथम ट्रिगर हो जाता है, ऑटोमेटिकली चैनल बंद कर देते हैं जी। तो ये और उसको खुलवाने के लिए फिर अपील करनी पड़ती है। तो ये जरूर करें कि जो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वो थम्स अप जो उधर अंगूठा सा बना होता है यहाँ इधर, तो इसका मतलब होता है गुड, हमारे यहाँ तो मतलब होता है बेशर्म हो तुम, मगर ये इसको गुड करके क्लिक कर दें, है ना, वहां इस तरह कुछ ऐसी है कल्चरल इश्यूज। इधर एक दिन प्रोग्राम में लास्ट ईयर से पीछे मैंने कहा था कि पाकिस्तान में बच्चे जब लड़ते हैं तो ऐसे करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, तो गुरु लोगों ने कहा इसका मतलब होता है कि मैं तुझसे बदला लूंगा, वो वही चीज प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों वाली की फिर ना, तो यही चीज है, डडू अपना जो है ना करना है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, बस ठीक है सर, थैंक यू तमाम दोस्तों का, राणा साहब का, खान फारूक का, राणा रमजान थे यहाँ पे, राजा रजाक थे। खबर साहब की आवाज नहीं आ रही, यह फीड में स्लो है, ये आपको नहीं आ रही फारूक भाई, बाकी मेरी आवाज जा रही है। राणा साहब आपको तो आ रही है? जी जी आ रही। हाँ तो वो आपका कुछ आज फीड जो है मिस हो रहा है, तो इंशाल्लाह आइंदा के लिए वो आप फिक्स कर लें। तो बरकत यह है कि बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और आपकी दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आवाज नहीं आई सर, हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक सेकंड मैं इसको रिबूट करके, रिबूट करके आ जाए, चले ठीक है। खान साहब को मेरे ख्याल में यहाँ से थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं, ताकि ये खान साहब शोर बड़ा मचा रहे हैं। बरकत राणा साहब बहुत मजा आया आज की सिटिंग का, बहुत अच्छे मौजू थे हमारे, हमने तकरीबन हर एक को डिस्कस करने की कोशिश की है, और जो हमारे जो देखने वाले हैं नाजरीन हैं हमारा जो चैनल जब से चल रहा है, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश करें। तो खान साहब इसी बात के साथ हम आपका इंतजार कर लेते हैं, अगर आपने कोई चीज ऐड करनी है तो कर लें। खान फारूक, या खान फारूक को कुछ प्रॉब्लम है आज उनकी मेरी आवाज सुनने की, कम्युनिकेशन क्या है, कोई है, कोई वाईफाई की प्रॉब्लम्स है, पर कनी हाउ बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, और पाकिस्तान पाइंदाबाद, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सैटरडे के रोज, सैटरडे विद रेहम खान, संडे को यकीन तौर पे हम कोशिश करेंगे कि इसहाक डार साहब हमारे साथ होंगे, बड़ी प्यारी सी बातें होंगी उनके साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।